दोस्तों फाइनली पबजी इंडिया में बैन हो गया और ये अपने आप में गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। ये यूथ को बिगाड़ रहा था, दिन भर हम लोग गेम खेलते। मैं ऐसा नहीं कहता गेम बिल्कुल मत खेलो, लेकिन गेम के आदि मत बनो यार। और कभी कभी पबजी की जगह चिड़िया उड़ खेलो, वो काफी अच्छा गेम है और काफी मजा आएगा। बात करते हैं पबजी अगर चाइनीज है कि कोरियन है, तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि ये ब्लू होल कॉर्पोरेशन ने बनाया था इसको, जो कि एक कोरियन कंपनी थी। लेटर ऑन जब इसका ऐप, जब इस ऐप को एंड्रॉयड वर्जन में लॉन्च किया था, तो उसका सपोर्ट उन्होंने टेंसेंट गेम्स से लिया था, जो कि चाइनीज एप्लीकेशन था। तो टेंसेंट गेम्स का भी इसका कुछ परसेंट शेयर टेंसेंट गेम्स को जाता है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। तो ये रीजन है कि इसका कुछ परसेंट शेयर चाइना को जा रहा है, इस वजह से ये एक चाइनीज ऐप भी माना जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको भी फाइनली बैन कर दिया है, और एक तरह से ठीक ही है। अब लोग कम से कम गेम के गेम टिकटॉक से हटेंगे, पबजी से हटेंगे, तो कुछ टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे, टेक्निकल चीज़ों को पढ़ेंगे। क्योंकि हमको दोस्तों अगले 5 साल में अपने आप का, अपना जो थिंकिंग पावर है वो जापान की तरह बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। आज हम फ्रांस पे डिपेंड हो गए राफेल में, राफेल बनाने के लिए, कि हम उन पे डिपेंड हो रहे हैं, हमसे खरीदना पड़ रहा है। अगर हम खुद वो अपना इनोवेशन कर टेक्नोलॉजी को लेते, पढ़ते, समझते, तो हो सकता है कि हमको उनकी जरूरत नहीं पड़ती आगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि गेम वगैरह खेलो, पर एक लिमिट में। और कोई भी गेम या कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी एंटरटेनमेंट देश से बड़ा नहीं होता, तो अच्छी बात है। चाइना को बैन करना चाहिए, उनको जितना मेंटली टॉर्चर करना है करेंगे हम लोग, और हम लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहेंगे। जितना बैन कर सकते हैं, जितना अपने लेवल पे हम लोग बच सकते हैं उतना करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।